अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग्स बाय सहर खान। आज मैं आपके साथ एक सीरम का जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। चलें जी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी मैं आज आपके साथ वसीम बाय हमानी, जो वसीम बादामी की ब्रांड है हमानी के नाम से, तो वहां से मैंने ये एक सीरम परचेज किया। ठीक है, ये सीरम जो है वो हेलोरोनिक फेस सीरम विद कोलेजन के साथ है। ये मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है। सारी के सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वसीम भाई हमानी की, वो सारी ऑर्गेनिक हैं और कुछ वो जो है ना फार्मूला उनका तुर्की का भी है। ये सीरम है हेलोरोनिक फेस सीरम विद कोलेजन, इनके हेलोरोनिक एसिड शामिल है और उसके साथ कोलेजन भी शामिल किया गया हुआ है। ये हमारे सबसे बड़ी चीज जो ये सीरम क्लेम करता है कि ये साइन ऑफ एजिंग पे काम करेगा, मीन साइन ऑफ एजिंग को मिनिमाइज करेगा, और ये सीरम फॉर ऑल स्किन टाइप के लिए है। इस वाली जो है ना बोतल में हमें 30 ml की प्रोडक्ट जो है ना सीरम की हमें मिलेगी। इस साइड पे इसकी एक्सपायरी लिखी हुई है, ठीक है ना, और ओपन करके आपने इसे 12 month में इस्तेमाल कर लेना। एक्सपायरी इसकी जो है ना वो 2025 तक है। इस साइड पे इसके इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो मेंशन किए गए हैं। मेन इंग्रेडिएंट इसके जो है ना वो हेलोरोनिक एसिड, कोलेजन, एलोवेरा है। ठीक है ना, जो हेलोरोनिक एसिड है वो मॉइस्चर फॉर्म करता है, कोलेजन जो है वो एंटी एजिंग है, एलोवेरा जो है ना वो हाइड्रेट करता है स्किन को और हाइड्रेशन फॉर्म करता है। अच्छा जी, दूसरी साइड पे यहाँ सारी इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सीरम है आपको क्या क्या फायदे देगा और अप्लाई करने का भी तरीका यहाँ पे लिखा गया हुआ है। सबसे पहले तो हम इनके इंग्रीडियंट्स की बात करते हैं। इसमें कोई जो है ना वो हार्श केमिकल शामिल नहीं किया गया हुआ। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो ऑर्गेनिक शामिल किए गए हुए हैं इसके अंदर। ठीक है ना, जो आपको पता है हेलोरोनिक एसिड जो है ना वो हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। मेन फायदा तो उसका ये कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चर फॉर्म करता है। ठीक है ना, कोलेजन आपको पता है कि वो एंटी रिंकल है। ठीक है, फाइन लाइन्स को और एंटी रिंकल्स पे काम करता है, मीन का साइन ऑफ एजिंग को स्लो करता है, मिनिमाइज करता है। एलोवेरा जो है ना वो हाइड्रेशन आपके फेस पे बरकरार रखता है। अच्छा, और इस सीरम को इस्तेमाल करने का तरीका ये है जो यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि आपने कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो सीरम के ले लेने हैं और नीट मीन के जब आपने अपने फेस पर जो है ना वो फेस वॉश यूज कर लिया, अपने फेस को क्लींस कर लिया, ठीक है, टोनर यूज कर लिया, ठीक है ना, तो फिर सेकेंड स्टेप जो है ना वो इस सीरम का होगा। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स लेके आपने अच्छी तरह अपने स्किन के ऊपर जो है ना वो इसको लगा लेना है और ये जब उसके अंदर आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगा जल्दी से। ठीक है ना, और अगर आपके इस सीरम से बेस्ट फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपने इसको 2 times इस्तेमाल करना है। मीन का अपनी डे टाइम की रूटीन में भी इसे शामिल करना है और नाइट टाइम वाली रूटीन में भी शामिल करना है। ये आपकी स्किन को जो है ना वो यूथफुल भी बनाएगा, आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा। मीन के जो आपके फेस पे हल्के से जो पिगमेंटेशन के निशान होंगे, ठीक है ना, कोई स्कार्स होंगे, ठीक है ना, उसको भी ये फेड करता है। ठीक है ना, और आपकी स्किन को ये ब्राइट टोन में लेके आएगा। ठीक है, ये इसके फायदे हैं। और इस सीरम को मैंने यहां से देखें इस्तेमाल कर लिया हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने जो है ना अपनी 2 times वाली रूटीन में रखा हुआ था। मीन डे टाइम में भी मैं इसे इस्तेमाल करती थी और नाइट टाइम में भी इसे इस्तेमाल करती थी। यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा है कि इसे बेस्ट फायदा तभी होगा जब आप उसको 2 times इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये सीरम जो है वो लाइट वेट है। ठीक है ना, फास्ट आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है। ठीक है ना, और हाइड्रेटिंग फार्मूले के साथ ये जो है ना सीरम बनाया गया हुआ है और स्किन को हेल्दी करने वाले इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल किए गए हैं। और विजिबल ये रिड्यूस करता है फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को और एज स्पॉट्स को, और इम्प्रूव करता है स्किन टेक्सचर को और टोन को। और ये मेरा बेस्ट सीरम है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि इसमें हेलोरोनिक एसिड भी शामिल है, नियासिनामाइड भी शामिल है, ठीक है ना, कोलेजन भी शामिल है। ठीक है, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। जो हेलोरोनिक एसिड से हमें क्या क्या फायदा होता है, मीन डीप हाइड्रेशन फॉर्म करता है हेलोरोनिक एसिड। ठीक है, स्किन रिपेयर करता है, रिड्यूस फाइन लाइन्स भी करता है एंड द रिंकल्स को भी कम करता है। और नियासिनामाइड आपको पता है कि स्किन की बैरियर पे काम करता है, स्किन के जो हेल्दी बैरियर्स पे काम करता है, रिपेयर करता है हमारे स्किन के बैरियर को। ठीक है, और फाइट करता है पिगमेंटेशन से और अपेरेंस फाइन लाइंस और रिंकल्स पे भी नियासिनामाइड काम करता है। कोलेजन जो है ना वो साइन ऑफ एजिंग को
स्लो करेगा जो फाइन लेंथ और एज स्पोर्ट्स हैं उन पे भी जो है ना कोलेजन काम करता है। इसके अलावा जो एलोवेरा है वो डीपली हाइड्रेशन हमें फ्राम करेगी, ठीक है, और हमारी स्किन को स्मूथ करेगी और किसी भी किस्म की जो इरिटेशन है उससे हमें बचाएगी। और इसके अलावा जो एंटीऑक्सीडेंट ग्रेप सीड है, विटामिन ई है, वो प्रोटेक्ट करेगी हमारी स्किन को हर किस्म की जो इरिटेशन से और डैमेज से। ये तो मैंने आपको डीपली इस चीजों का बता दिया है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हमारे हमें क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। और बेनिफिट्स भी मैंने साथ साथ बता दिए हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बेनिफिट्स भी क्या हैं। इनके ये बताने का मेरा मकसद ये था कि ये सीरम नहीं, कोई भी सीरम आप परचेज करते हैं तो आपको मेन इंग्रेडिएंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो पता होना चाहिए कि हेलोरोनिक एसिड से क्या फायदे मिलते हैं, कोलेजन से क्या मिलते हैं, नियासिनामाइड से क्या मिलते हैं। आप देखें तो हेलोरोनिक, नियासिनामाइड और कोलेजन से एंटी रिंकल और फाइन लाइन्स पे भी ये तीनों इंग्रेडिएंट्स काम करते हैं। और मेरा ये डिटेल में आपको बार बार बताने का भी यही मकसद है कि आप कोई भी सीरम खरीदें तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट जरूर पढ़ें कि ये हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा जी, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये सीरम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। सीधी सी बात है, ठीक है ना, मैंने इसे टू टाइम अपनी रूटीन में शामिल किया था। इसने वाकई मेरी स्किन को ब्राइट किया है, पिगमेंटेशन को फेड किया है, ठीक है ना। और मुझे तो इससे ये भी फायदा मिला कि मेरी स्किन पे जो थी ना एक्नी भी नहीं आई है सीरम को लगाने से। वरना आमतौर पर यह कि मुझे कोई सीरम मैं लगाऊ ना तो जल्दी से मुझे सूट नहीं करता, ठीक है ना, एक दो जो है ना पिम्पल्स मेरे फेस पे आ जाते हैं, लेकिन इस सीरम से मेरे फेस पे पिम्पल नहीं आए हैं लगाने से, ठीक है। इसने कोई मुझे इरिटेशन नहीं दी है, ठीक है ना, मेरी स्किन को इसने सुपर हाइड्रेशन फराम की है। ये इसने मुझे बहुत अच्छा इसका फायदा लगा है कि ये मेरी स्किन पे इसने ड्राइनेस नहीं दी है, ठीक है ना। और दूसरी बात है कि ये सीरम लगाने के बाद ये फील नहीं होता कि आपके सीरम जो फेस के ऊपर ऊपर लगा हुआ है, ये फुल जल्दी से आपकी स्किन के अंदर जस्ट हो जाता है। और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है वो अपना जरूर फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें ताकि दूसरे लोगों को उससे फायदा हासिल हो सके, ठीक है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, प्राइस आप वहां से देख लीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और टिप भी बताती हूँ कि अगर आपके पास गोल्ड लूट लो ऐप होगी तो आपको इस पे काफी परसेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अगर सेल ना भी लगी हो तो भी आपको गोल्ड लूट लो ऐप के थ्रू जो है ना वसीम भाई हमानी पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पे फ्लैट ऑफ मिल जाता है। इसलिए जब अगर आप अपने ये सीरम परचेज करना हो तो अपने मोबाइल पे गोल्ड लूट लो ऐप जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इस चीज का भी फायदा हासिल कर सकें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।